हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का घनत्व मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने में हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। सोने की शुद्धता माप का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो सोने की शुद्धता के पता लगाने के लिए हम लोग कैरेट मीटर का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन सुनने में किसका प्रयोग करते हैं। तो हृदय की धड़कन सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर दिन के समय आकाश जो है सो काला दिखाई देता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, नेत्रदान करते समय किस हिस्से को दान किया जाता है। तो नेत्रदान करते समय आँख की कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर जो है नाक कान इलाज के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी का हेडलाइट यानी कि सामने देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, गाड़ी की साइड मिरर जो होता है ड्राइवर के पास पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सी दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो किसके कारण चढ़ता है। तो केशिकद्ध के कारण चाहता है। अगला नंबर का क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो नीला ग्रह जो है इसे पृथ्वी ग्रह को कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है सो चंद्रमा है। ठीक है, मंगल, हम लोग मंगल को किस ग्रह के नाम से और जानते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सी है। तो सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह जो है सो बुध ग्रह के कहते हैं। बुध ग्रह, इसी बुध ग्रह को ही बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है और यह बोना ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोर का तारा और सांझ की तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो भोर की तारा और सांझ की तारा जो से शुक्र ग्रह को कहते हैं और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। और इस यह ग्रह जो शुक्र ग्रह जो होती है सो सबसे चमकीला होती है और सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापा जाता है। तो दूध का घनत्व जो से लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ की प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है सो मीथेन है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग करता है। तो दिया सलाई मतलब होता है माचिस। तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो जब बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरता है तब आंधी आता है। तब क्या होती है, आंधी आता है। लेकिन जब बैरोमीटर का पारा
एकदम यानी धीरे धीरे से गिरती है, तब वर्षा होने की संभावना होती है जब धीरे धीरे नीचे गिरती है। लेकिन जब बैरोमीटर जो होती है, जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर उठती है यानी कि ऊपर जाती है, तब दिन साफ होने की संभावना बनती है यानी कि दिन जो है साफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होती है यानी कि वर्षा के बूंद जो से गोला होता है, गोलाकार की होता है, तो किसके कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आवर्त सारणी की खोज जो से मेंडलीव ने की थी। तो मोसले ने क्या किया था? तो मोसले जो है, जब आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने की थी, तब मोसले क्या किया था? तो मोसले जो है से आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। क्वेश्चन पूछा जा गया कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो आवर्त सारणी पूछे तो मेंडलीव ने किया था, लेकिन आधुनिक जोड़ दिया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो मोसले ने की थी। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत जो है न्यूलैंड ने दिया था। और त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिक सिद्धांत जो से डॉव राइनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डी होती है? तो कान में 6 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है, इसीलिए 2 कान में 6 हड्डी होती है। 8 जो होती है से कपाल में होती है, कपाल में हड्डी की संख्या 8 होती है और फेस में हड्डी की संख्या 14 होती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई जो है सो न्यूरॉन है। तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई जो होती है सो नेफ्रॉन होती है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार की हार्मोन है जो बीटा कोशिका से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। अग्नाशय जो है लैंग्रेस हेंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। अग्नाशय में कौन सा द्वीप समूह पाए जाते हैं? लैगर हेंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। तो वनस्पति का विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक को अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाता है। और वर्गीकरण के जनक जो है लिनियस को कहते हैं। लेकिन चिकित्सा शास्त्र के जनक जो होती है सो हिपोक्रेटस यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक को हम लोग हिपोक्रेटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन किया जाता है? तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी जो है शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। और पिसी कल्चर जो है मत्स्य के अध्ययन को हम लोग पिसी कल्चर कहते हैं।